से हमारे तमाम सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर मौसम में जो आई तब्दीली है या फिर सर्दी का सितम किस तरीके से लोगों की जान पर हावी हो रहा है। बीकानेर का रुख करेंगे, त्रिभुवन रंगा वहां पर मौजूद है, इसके अलावा कोटा में मुकेश सोनी मौजूद है। त्रिभुवन, आपके पास आते हैं, बीकानेर क्या कह रहा है, किस तरीके का मौसम जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आसपास कुछ लोग भी होंगे, बात करिएगा, रिएक्शन लीजिएगा त्रिभुवन। जी बता दूं आशीष, में बीकानेर में जो सर्दी का सितम है वो बहुत तेज़ है, लगातार सुबह से ठंड इतनी तेज़ है, जो पारा है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। हालांकि दोपहर बाद हल्की धूप निकली है, लेकिन जो चल रही है हवा, तेज़ हवा, वो काफ़ी तेज़ है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर है वो सुन्न हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह की सर्दी है, क्या बचाव कर रहे हैं? सर्दी तो बहुत ज़्यादा है सर, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी होती चाहिए उससे तो ज़्यादा ही लग रही है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में पहुँच गए हम लोग। राजस्थान में इतनी सर्दी बहुत ज्यादा है, शिमला में पहुंच के राजस्थान सर्दी ज्यादा है। किस तरह के आप बचाव कर रही हैं, क्या? सर, हम तो ना जोधपुर से यहाँ घूमने के लिए आए, लेकिन हमें इतना अनुमान ही नहीं था कि यहाँ पर इतनी ठंड है। अब मतलब कि रात को थोड़ा सा ना आग तपाते हैं थोड़ी ठंडक से बचने के लिए, ऐसे लग रहा है जैसे कुल्लू मनाली शिमला कश्मीर सब यहीं पर है। कुल्लू मनाली शिमला की तरफ लोग एहसास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह की सर्दी में आप एहसास कर रहे हैं? हम तो सुबह 8 बजे जाते हैं काम करने के लिए और शाम को 5 बजे जाते हैं, हालत ख़राब होती है हमारी काम कर। ठीक है भैया, सर्दी के बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं ना, जाते सुबह आते हैं जल्दी से काम करते हैं, और कभी लकड़ी लगाते तपते हैं, सुबह ठंड शीतलहर की बहुत है यहाँ। त्रिभुवन, बचाव के लिए ये लोग तो अपना बचाव के लिए कहना है कि सर्दी, लोग तो काफी कुछ जतन कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या है इन लोगों के लिए, क्योंकि चाहे रैन बसेरों का हम देखें लगातार रियलिटी चेक करते हुए नजर आते हैं, उसमें भी कई जगहों पर खामियां देखने को मिली, तो ऐसे में बीकानेर में प्रशासन के इंतजाम क्या क्या नजर आ रहे हैं? जी ऐसे बता दूं आपको, बीकानेर प्रशासन की तरफ से जहां जो निश्चित चिन्हित स्थान किए गए हैं, चाहे पीबीएम अस्पताल है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे रोडवेज बस स्टैंड है, सभी जगह रैन बसेरा लगाया गया है, और जिला पर्यटक की तरफ है और जिला कलेक्टर द्वारा समय समय पर इनका जायजा लिया जा रहा है। कल जिला कलेक्टर ने इसका जायजा लिया, जो लोग रैन बसेरे बाहर थे, जो भिखारी वर्ग से हैं या जो दिव्यांग हैं, उनको कलेक्टर की तरफ से विशेष कंबल वितरित किए गए और ये एहसास कराया गया कि आप अकेले नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, सर्दी में आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। जी आशीष, बिल्कुल बने रहिए, आपके साथ और भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुकेश सोनी लगातार कोटा से बने हुए हैं।